it is just a way to celebrate the happiness and joy of monsoon. तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हम अपनी खीर में नए नए फ्लेवर्स दे सकते. So guys, always stay connected with this beautiful nature and with me all. Hello everybody, welcome to my channel Optimistic Living. मेरा नाम है दलजीत. I hope आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. And I hope आप अपना ये सावन का महीना भी बहुत अच्छे से enjoy कर रहे होंगे. Well, वैसे तो हर सीजन की अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हर सीजन हमें कुछ ना कुछ देता है. Like सर्दियों में कुछ और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, गर्मियों में कुछ और. तो सीजन हमें कुछ ना कुछ हमेशा देता ही है. एंड यू नो व्हाट, हमारे बड़े कहा करते थे कि ये जो मौसम से अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिलती हैं ना, तो ये मौसम का तोहफा है. तो अगर हमें नेचर कुछ गिफ्ट कर रहा है तो वी शुड एक्सेप्ट दिस. सो ऐसे ही सीजन के अलावा भी कुछ फेस्टिवल्स भी आते होते हैं ना, जिसमें किसी न किसी चीज़ की कुछ इम्पोर्टेंस होती है. लाइक होली है तो उसमें गुजिया की अपनी इम्पोर्टेंस है, और अभी जैसे सावन का मन चल रहा है तो इसमें तीज आती है तो तीज में घेवर की अपनी इम्पोर्टेंस है. एंड सावन के महीने में पंजाबी घरों में खीर और पूड़े की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है. ऑलमोस्ट सभी घरों में बनता होगा ये. तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ. वेल, ये एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल रेसिपी है एंड सभी बनाते भी होंगे इसको. बट मैं इसको शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है. एंड इट इज़ जस्ट अ वे टू सेलिब्रेट द हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ मानसून. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो चलिए अब हम सबसे पहले अपनी खीर बना लेते हैं. तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है, 2.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है, और इसमें मैंने कुछ चावल भिगो कर रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं. तो अभी ये इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा पकने में, तब तक मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ. इसमें मैंने जो राइस लिए हैं उसकी क्वांटिटी ली है करीबन ये 1 कप. ज़्यादा राइस नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा राइस डालने से क्या है कि वो राइस ज़्यादा आएंगे और वो गाढ़ी सी हो जाएगी तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा. तो इसमें मिल्क गाढ़ा होना चाहिए जिससे कि काफ़ी अच्छा रिच टेस्ट आएगा हमारी खीर में. एंड इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची जिसके मैंने छिलका उतार के उसके बीज को दरदरा पीस लिया है, और जो चीनी लेंगे हम वो लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, उस हिसाब से अपने आपको लेनी है. एंड हम कुछ ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स. मैं ले रही हूँ काजू, बादाम एंड किशमिश. आप जो चाहे जो आपको पसंद हो वैसे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं. इनमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं. एंड इसमें आप चिरौंजी डाल सकते हैं, और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप इसमें कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट होता है उसको पतला पतला काट कर डाल सकते हैं, या आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपकी चॉइस है आप वो इसमें डाल सकते हैं. तो इसमें कोई ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं लगते हैं, बड़ी बेसिक सी हम खीर बना रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा सामान नहीं लगता है. बट हाँ, बनती बहुत डिलीशियस है. तो अभी इसको पकते हुए हो चुके हैं, 25 से 30 मिनट तक हो चुके हैं, और ये देखिए थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो गई है, राइस भी इसमें पक गए हैं. एंड इसको हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में बनाना है, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो जलने का डर रहता है इसमें दूध, क्योंकि जल्दी नीचे लग जाता है तो इसलिए. और इसको इस दौरान बीच में बार बार ऐसे चलाते रहें ताकि नीचे नहीं लगे दूध. और जब ये जैसे थिक होनी स्टार्ट हो रही है, इस वक्त मैं इसमें ये इलायची का जो मैंने पीस के रखा है पाउडर, ये डालूंगी. अगर आपके पास इलायची का पाउडर है बिल्कुल फाइन पिसा हुआ तो आप वो भी डाल सकते हैं. और इसके साथ ही अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें ये काजू और ये बादाम. किशमिश मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में डाल दें तो दूध फटने का डर रहता है, इसको एंड में ही डालना चाहिए. और जो बादाम थे उसको मैंने गर्म पानी में भिगोकर उसका छिलका निकाल कर उसे पतला पतला काट लिया है ऐसे. तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी. क्योंकि अब ये भी इसके साथ थोड़े पकते पकते सॉफ्ट हो जाएंगे.
तो अभी इसको पकने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जब आपको ऐसा दिखने लग जाए कि ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी ये और थिक होगा तब ये रेडी होगी। फिर हम इसमें चीनी मिलाएंगे। अभी इसको पकते हुए 10 मिनट और हो चुके हैं, तो ये और थिक हो रही है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। वो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जितना भी आपको चाहिए। तो आप इसमें चीनी इस हिसाब से डालिए, क्योंकि ये खीर हम खाने वाले हैं पूड़े के साथ, तो पूड़े में भी मीठा होता है। तो आप उस हिसाब से इसमें शुगर ऐड करें कि ये ज़्यादा मीठी ना हो जाए, क्योंकि उसमें भी मीठा है, इसमें मीठा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर आपको वैसे ही खानी है तो आप मीठा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपको पूड़े के साथ खानी तो थोड़ा हल्का ही प्रेफर करें। तो चीनी डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक और पकाया है, और इसमें मैंने किशमिश भी ऐड कर दी थी, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं पूड़ा बनाने की तैयारी। उसके लिए मैंने ये थोड़ा आटा लिया है, और आटे में मैंने सौंफ जो है इसको थोड़ा दरदरा पीस लिया है, ये ऐड करूंगी। और इसमें मैं ऐड करूंगी ये गुड़ का पानी। पानी में मैंने गुड़ अपना जितना मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसमें इसको भिगो कर रखेंगे, तो वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो फिर उस पानी को हमने अच्छी तरह से छन्नी में स्ट्रेन कर लेना, ताकि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो बाहर निकल जाएं। तो इस तरह से फिर हमने गुड़ का पानी लेना है, और इसका एक बैटर बनाएंगे हम, जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी चीला या पूड़ा बनाने के लिए हम करते हैं। तो हम इसमें धीरे धीरे गुड़ का पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और ये हमने ध्यान देना है कि इसमें कोई भी लम्स ना बने, तो एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए। और अगर गुड़ का पानी हमने डाल दिया है, तो अगर आपको लगे कि पानी कम है, ये गाढ़ा है, तो आप फिर प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। लम्स नहीं आना चाहिए बस कोई। तो अभी देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, ऐसे इतना पतला होना चाहिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पूड़ा। तो मैं ये बना रही हूँ नॉनस्टिक तवे पर, आप इसको लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। और इसमें मैं इसमें देसी घी यूज कर रही हूँ, आप इसमें कोई भी घी ऑयल जो आप खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो अब इसको एक साइड से हम थोड़ा पहले पकने देंगे। और अगर हम इसको लोहे के तवे पर बनाते हैं, तो उसमें एक ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, जो पहला पूड़ा होता है ना वो एक ही चिपकता है, उसके बाद सारे सही बनने लग जाते हैं। बट अगर आपको वो भी अवॉइड करना है, तो आप एक ट्रिक है कि आप जब भी लोहे का तवा यूज करें, तो उसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा घी डालकर, घी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक और एक प्याज का टुकड़ा लेकर अच्छे से रब कर देंगे ना पूरे तवे पे, और फिर टिश्यू से क्लीन करके फिर बनाएंगे,
तो नहीं चिपकेगा। और एक दूसरा भी है कि अगर आप पहले उस पर दो तीन परांठे बना चुके हैं तो वो तवा ऑलरेडी घी वाला हो चुका होगा, तब भी नहीं चिपकेगा। अदरवाइज पहला पूड़ा चिपकेगा, उसके बाद सारे सही से बन जाएंगे। ये देखिए खीर भी बिल्कुल रेडी है, और देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, और हमारे पूड़े भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और अच्छे बने हैं देखिए। और आप भी ज़रूर बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे बने हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे तरीके जिससे कि हम अपनी खीर में नए नए फ्लेवर्स दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अभी जैसे कि आपने देखा कि हमने बॉइल्ड मिल्क के अंदर भीगे हुए राइस को डाला और उसको कितनी देर पकाया हमने, धीरे धीरे पके। एक्चुअली क्या है, खीर जितना कढ़ेगी उतना अच्छा बनेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमने खीर को बहुत जल्दी जल्दी बनाना है तो हम क्या करेंगे, राइस को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और दो तीन विसल लगा लेंगे, और इससे क्या होगा कि राइस बिल्कुल पक चुके होंगे। फिर उसके अंदर हम बॉइल्ड मिल्क ऐड करेंगे और बाकी प्रोसीजर करेंगे जैसा खीर बनती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि राइस ऑलरेडी पका हुआ है तो वो कम टाइम लेगा, ठीक है, बस हमने दूध को गाढ़ा करना है और हमारी खीर रेडी हो जाएगी। तो ये एक तरीका है अगर जल्दी खीर बनानी हो तो। बाकी अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स शेयर करूँगी जिससे कि हमारी खीर नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। लाइक अभी फर्स्ट हम लेते हैं केसर। आप क्या करें कि केसर ऐड करेंगे अगर अपनी खीर में, जब खीर बनाते वक्त आप थोड़ा सा गर्म दूध लें, उसमें केसर को डिप करके रख दें और फिर उसको खीर में ऐड करें, और उसमें जब धीरे धीरे खीर पकेगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब वैसे देखा जाए तो जो केसर है ना, वो है तो बड़ा इत्तू सा इंग्रेडिएंट, बट ट्रस्ट मी इट इज़ अ गेम चेंजर। एंड दूसरी चीज़ जो है, हम डाल सकते हैं उसमें कस्टर्ड पाउडर, तो वो हमारी बन जाएगी कस्टर्ड खीर। वो कैसे डालेंगे, जब हमारी खीर लगभग 80% पक चुकी हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा दूध लेंगे, उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और उसको खीर में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और वो गाढ़ी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो ये भी बहुत टेस्टी बनती है। एंड थर्ड इज कंडेंस्ड मिल्क। हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे खीर में जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो जब हमारी खीर लगभग 60% पक जाए तो हम उसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो कंडेंस्ड मिल्क है वो ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, तो हमें बस शुगर को उसमें थोड़ा बैलेंस करके डालना है। आप थोड़ा टेस्ट कीजिए, जितना शुगर चाहिए फिर उतना डालिए, ठीक है। बस इसमें शुगर को थोड़ा सा बैलेंस करना होता है और बहुत टेस्टी बनती है ये भी। और ये जैसे ही कंडेंस्ड मिल्क इसमें डलता है तो धीरे धीरे ये भी बहुत गाढ़ी हो जाती है। एंड फोर्थ वन इज माई पर्सनल फेवरेट। वो एक्चुअली हम विंटर्स में ही बना सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि जब विंटर्स में जो गाजर आती है ना, हलवे वाली गाजर बिल्कुल रेड रेड होती हैं, तो वो हम क्या करेंगे अपनी खीर में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम राइस की क्वांटिटी को बिल्कुल हाफ कर देंगे, जितना भी हमने राइस लेना था हम उसको हाफ करेंगे, और दो तीन गाजर बहुत ही बारीक श्रेड करेंगे, और स्टार्टिंग में ही जब हम राइस ऐड करेंगे तभी हम वो गाजर भी ऐड करेंगे दूध में, ठीक है। तो धीरे धीरे जब गाजर उसमें पकेगी तो बहुत ही टेस्टी खीर वो बनती है, एंड उसका कलर बहुत ही अच्छा होता है, पिंक कलर की वो खीर बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। एंड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिए ना, ये जो गाजर है ये क्या है, ये भी तो हमें विंटर्स का एक गिफ्ट मिला हुआ है, और इस गिफ्ट को हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी ज़रूर बनाइए और बताइए कैसी है।
अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है optimisticliving_daljeet, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद दिस ब्यूटिफुल नेचर एंड विद मी ऑल्सो, राइट? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।